लोकप्रिय भारतीय लेखक विक्रम चंद्र अपने उपन्यास रेड अर्थ एंड प्योरिंग रेन, लघु कथाएं और लव एंड लांगिग इन बॉम्बे आदि के संग्रह के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। इनका जन्म 1961 में नई दिल्ली में हुआ था। विक्रम चंद्र स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जाने से पहले राजस्थान, अजमेर और मुंबई के कॉलेजों में भी शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। विक्रम चंद्र कोलंबिया विश्वविद्यालय के एक फिल्म स्कूल में प्रवेश लेने गए थे। वह विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जेम्स स्किनर की महानतम आत्मकथा पढ़कर बहुत प्रभावित हुए, जो 19वीं सदी के एक महान एंग्लो इंडियन सैनिक थे। यह किताब विक्रम चंद्र के उपन्यास रेड अर्थ एंड प्योरिंग रेन के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने फिल्म स्कूल की शिक्षा को पूरा करने से पहले ही स्वयं को उपन्यास लेखन में डुबा दिया। विक्रम चंद्र ने अपने प्रथम उपन्यास रेड अर्थ एंड प्योरिंग रेन के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉमनवेल्थ राइटर्स का पुरस्कार और बेहतरीन कथा के लिए डेविड हाइम पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी लघु कथाओं का संग्रह लव एंड लांगिंग इन बॉम्बे 1997 में प्रकाशित हुई थी और इसके लिए इन्हें बहुत अधिक प्रशंसा मिली। विक्रम चंद्र ने सर्वश्रेष्ठ पुस्तक यूरेशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ राइटर्स का पुरस्कार जीता और ये गार्जियन फिक्शन पुरस्कार की संक्षिप्त सूची में भी नामांकित हुए। विक्रम चंद्र को कई पुरस्कार मिले हैं, जिनमें लव एंड लैंगिंग इन बॉम्बे को न्यूयॉर्क टाइम्स पुस्तक समीक्षा द्वारा 1997 की उल्लेखनीय किताब, स्वतंत्र लंदन द्वारा बुक्स ऑफ द ईयर और गार्जियन लंदन द्वारा वेस्ट बुक्स ऑफ द ईयर शामिल है। वर्ष 2000 में विक्रम चंद्र जी ने हिंदी फिल्म मिशन कश्मीर के सह लेखक के रूप में भी कार्य किया। विक्रम की मां कामना चंद्र ने कई हिंदी फिल्में और नाटक लिखे हैं, जिनमें प्रेम रोग और 1942 ए लव स्टोरी जैसी फिल्में शामिल हैं। उनके नए उपन्यास सेक्रेट गेम्स को पूरे विश्व के सभी पाठकों और प्रकाशकों से एक जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। सेक्रेट गेम्स नेटफ्लिक्स वेब सीरीज है। सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत यह वेब सीरीज 6 जुलाई 2018 को रिलीज हुई थी। हाल ही में इसका दूसरा संस्करण 15 अगस्त 2019 को रिलीज हुआ है। यह दोनों सीरीज विक्रम चंद्रा के 2006 के उपन्यास सेक्रेट गेम्स पर आधारित है। इस थ्रिलर सीरीज को अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवाने ने डायरेक्ट किया है। अनुराग ने जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी से संबंधित दृश्यों का, वहीं दूसरी ओर विक्रमादित्य ने सैफ से संबंधित दृश्यों का निर्देशन किया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही खास वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।